ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में कोलकाता रोड शो के दौरान अमित शाह पर हुए हमले से भाजपा में रोष देखने को मिल रहा है। भाजपा सोलन मंडल ने भी इस हमले की जमकर निंदा की है और सख्त कार्रवाई अमल में लाने का आह्वान किया है। कोलकाता रोड शो के दौरान अमित शाह पर हुए हमले से भाजपा में भारी रोष देखा जा रहा है। भाजपा सोलन मंडल ने भी इस हमले की जमकर निंदा की और सख्त कार्यवाही अमल में लाने का आग्रह किया। भाजपा सोलन मंडल ने कहा कि भाजपा की लोकप्रियता देखकर टीएमसी पूरी तरह से बौखला गई है। यही कारण है कि उन्होंने बौखलाहट में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला किया, लेकिन इस हमले का खामियाजा उन्हें जल्द भुगतना पड़ेगा। रोष प्रकट करते हुए भाजपा पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के काफिले पर हमले की वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने इस हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए और जो भी दोषी है उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह पर हुए जानलेवा हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है। जहां ममता बनर्जी की सरकार आज सबको मालूम है कि खतरे में है, लोकतंत्र को वो अपने हाथ में लेकर जिस तरीके से अराजकता फैला रही है, इस तरह तो जम्मू कश्मीर और अलगाववादी क्षेत्रों में और भी इस तरह की चुनावों के बीच में हिंसा नहीं हुई। हमारा ये मानना है कि चुनाव आयोग इसके ऊपर कड़ा संज्ञान ले और भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल चाहता है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करे, क्योंकि कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके की लेजर लाइट के ऊपर उन्होंने उनको जानलेवा हमला बना दिया था, जबकि वो बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि वो माइक की रिफ्लेक्शन के कारण उन्होंने इतना बड़ा बवाल मचा दिया था। और आज वास्तव में जब लोकतंत्र खतरे में है तो वो मूक दर्शक बने हुए हैं। हम इसके मामले में कांग्रेस की भी कड़ी निंदा करते हैं।